ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रातःकाल आप लोगों ने शांति के साथ बैठ करके एक एक शब्द सुनने का पुरुषार्थ किया, जो एक प्रकार से प्रतिमा विज्ञान के लिए नीम का काम करता है। नीम का अर्थ ये होता है जो कभी भी ख्याति पूजा लाभ नहीं चाहता। आप लोगों की फोटोग्राफी अच्छे से अच्छे तो उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको कोई भी देखेगा तो महाप्रसाद को नहीं देख पाएगा। सुना आप लोगों ने? हाँ, ऐसा ही मोक्ष मार्ग के सम्यक दर्शन है। उसका जो सम्यक चारित्र जिसको बोलते हैं, सम्यक तो आचरण चारित्र, ऐसा क्यों कहा है कि वह समीचीन तो है किंतु आचरण जिसके पीठ पर विद्यमान है, और उस पीठ पर विद्यमान रहेगा दूर दूर तक दिखेगा, लेकिन किसकी पीठ पर है ये देखने में उपलब्ध नहीं होता। कभी भी उसने नहीं चाहा कि मैं मुझे भी कुछ देख ले, क्योंकि उसे ये ज्ञात है कि इसी के माध्यम से तो मोक्ष तक यह पहुंचेगा। तब लोगों को ज्ञात होगा कि महाप्रसाद के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तुएं हैं। तो यह पहले सर्वप्रथम अपने आप को खपा करके अपने आप के ऊपर महाप्रसाद का भार, वेट जिसको बोलते हैं, तो वह एक प्रकार से गेट का काम करता है। उसके बिना हमारा उस मोक्ष महल में प्रवेश संभव नहीं। वह किसी को भी आ जाए उसके लिए अवश्य अवसर प्राप्त कराता। यह चारित्र का अंश हो करके भी ये एक प्रकार से जो प्रारंभ करना चाह रहा है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसको धारण करने के उपरांत चारित्र धारण करें ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो ये भी नियम नहीं। ध्यान से सुनने की बात है। सम्यक दर्शन के साथ तो सम्यक ज्ञान तो रहता ही महाराज। सम्यक चारित्र तो अनुपस्थित रह करके भी ये दोनों हो सकते हैं, किंतु रहस्य की बात यह है सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, जिसको आप लोग द्रव्य श्रुतक ज्ञान बोलते हैं, वह हो ये कोई नियम नहीं है। यदि वह हो जाए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन हो ये नियम व्याप्ति नहीं बना सकते। यानी द्रव्य श्रुतक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन की व्याप्ति का कोई नियम नहीं है। इतना आसान वह सम्यक तत्व है, इसको बहुत ही हाई फाई जिसको बोलते हैं, बहुत ही हवा बना करके लोगों को डरा जा रहे, उसके बिना तो तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या ज्ञान की बात आप कर रहे हो? तत्व ज्ञान की सम्यक दर्शन के बिना हो ही नहीं सकती। ऐसे पचासों वर्ष से स्वाध्याय करने वाले आप लोगों के बीच में है कई भाई और बहने, ऐसे बहुत करना है उनके पास, किंतु
उनकी करुणा चारित्र से कभी भी संबंध नहीं रखती। उसी प्रकार हमारा ये कहना है, सम्यक ज्ञान के साथ भी अथवा द्रव्य सत ज्ञान के साथ भी सम्यक दर्शन की कोई व्याप्ति नहीं है। इसलिए भुवनत्रिक से कोई भी आता हो, यहाँ पर आकर के गर्भवत हो करके मनुष्य भी हो सकता है, त्रिंच भी हो सकता है। ये होने के उपरांत वह सम्यक दृष्टि है, मान लो तो त्रिंच नहीं होगा, मनुष्य ही होगा, सम्यक्तम च ये सूत्र के अनुसार। किंतु वह सम्यक ज्ञान को यहाँ पर आने के उपरांत प्राप्त करे, ये नियम नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि यहाँ तक प्रवेश कर गया। इसी प्रकार अन्य भी है जो कि नीचे छठी पृथ्वी से लेकर के यहाँ पर सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो सकता है, किंतु वह यहाँ पर आकर के सम्यक ज्ञान अक्षर ज्ञान की चर्चा यहाँ पर मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जो स्वाध्याय के लिए पहली किताब चाहिए हमारे लिए, नहीं समझे, जब तक हाथ में किताब नहीं आएगी और वह हमारे द्वारा छपी हुई तो और अच्छा। इन बातों को आप भूल जाओ, आपके लिए सम्यक दर्शन के साथ सम्य ज्ञान यानी द्रव्य सूचक ज्ञान की व्याप्ति नहीं है, बहुत सुविधा है। इसलिए चारों गतियों में यह उत्पन्न हो सकता होता है। चारों गति में जाकर के सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता ऐसा नहीं कहा, किंतु वह सम्यक दर्शन के साथ इधर आएगा, फिर इसके उपरांत वह सम्यक ज्ञान भी साथ ले आया ऐसा नहीं। बाद में भी वो प्राप्त करे और नहीं भी करे, इसमें क्या लाभ है? इसमें यह है कि कोई भी त्रियंच है यहाँ पर, उसके पास अक्षर सूचक ज्ञान नहीं है, जो समय दर्शन के साथ आप यहाँ व्याप्ति रखता है। यहाँ व्याप्ति दोष से ही रहित है, अव्याप्ति दोष से रहित है, इसका कोई भी लेन देन नहीं। और पक्षियां भी इसके बिना ये वह बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और त्रियंच भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ज्ञात नहीं है, क्योंकि किसने बताया क्या पता। सम्य ज्ञान अक्षर सूत्र ज्ञान के बिना काम नहीं चल सकता, ये आगम से सम्मत नहीं है। हमें आगम की रक्षा करना है, यह हमारा कर्तव्य है। जिनवाणी की सेवा करना यह हमारा कर्तव्य है। जो इससे विपरीत बोलेगा उसके लिए हम कहेंगे, तुम अपनी बात माँ की बात ही नहीं मानते हो तो फिर किसकी बात मानते हो? जो तुम्हारे लिए रक्षा करती है और जन्म देती है, बड़ा कर देती है, फिर इसके उपरांत समझदार बना देती है, और सब होने के उपरांत आपके जीवन की उन्नति के लिए रात दिन क्या करती है? भगवान के सामने जाकर के आरती करती है। भगवान कर्म की निर्जरा के लिए तो करती है, लेकिन ये भी एक सोचते तो होंगे, हे भगवान, हमारे संतान हमेशा हमेशा आपकी आरती उतारते रहे, ये भावना नहीं पड़ती क्या? हाँ, तो आप लोगों के लिए भी भाई होगी पहले के लोग, और आपका भी ये कर्तव्य है। लेकिन सम्यक दर्शन और अक्षर सूत्र ज्ञान ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है, इसके बिना भी काम चल सकता है। जैसे आंखों के बिना भी हम चल सकते हैं, लेकिन स्पर्श ज्ञान के बिना नहीं चल सकते, लेकिन स्पर्श ज्ञान के माध्यम से भी वह जिसके पास आंख नहीं है वह भी महीनों प्रवास कर सकता है और लौट करके वहां से आ सकता है। ऐसे भी हेतु मिलते हैं हमारे पास, ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं। अब सुबह के साथ इसके साथ जो आगे हम बढ़ने के लिए एक बात और सीख ली कि
श्रुतज्ञान द्रव्य श्रुतज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। और सम्यक दर्शन जहाँ रहता है वहाँ पर सम्यक ज्ञान भी रहता, हाँ वो तो हम स्वीकार करेंगे। तो फिर आप निषेध कर रहे हैं तो वह भाव सम्यक ज्ञान के साथ वो सम्यक दर्शन के साथ रह सकता है, उसका अक्षर से कोई संबंध नियम से नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये कहाँ से लिखा महाराज? ये षटकंड आगम महान ग्रंथ के सूत्रों के आधार पर कह रहा, तब वह चुप हो जाते हैं। यह विषय राजवार्तिक कारण अपने राजवार्तिक में लिखा है, तदादीन भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः, ये सूत्र आता है ना दूसरे अध्याय में या कहीं आता है, उसमें वह एक को लेकर के चार ज्ञान तक रह सकता है, चारों ज्ञान के साथ भी वह रह सकता है। पांचवें ज्ञान जब आएगा केवल ज्ञान, तो इसके साथ किसी के साथ वह नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसे आगम है। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वह अकेला ज्ञान कौन सा, तो लोगों को यही आ जाता है प्राय करके, वो उस प्रकार का जो ज्ञान होता है अकेला, वो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मनोप्रय ज्ञान इसके साथ नहीं होता, तो केवल ज्ञान के साथ आता रहता है। तो उसमें ये लिखा है कि वह मति ज्ञान के बिना भी श्रुति ज्ञान के बिना भी रह सकता है और रहता है, वह भी एक अकेला ज्ञान हो सकता है जो शेष के बिना भी संभव। वह इससे स्पष्ट होता है, षटकंडागम में लिखा है और उसके आधार पर राजवार्तिक में भी यह उल्लेखित किया गया है। आप स्वाध्याय करते हैं तो एक ग्रंथ का करो, दूसरे ग्रंथ को छोड़ दो, ऐसा ऐसे अपने ऊपर मेहरबानी मत करो। हाँ, ये आपके ऊपर अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा कि अपने हित चाहते हो, यदि दुनिया के कल्याण के लिए आप सोच रहे हो, लेकिन अपने कल्याण के लिए सही समय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको सोचना चाहिए। यह नई बात है क्या? नहीं है, आगम विरुद्ध है? नहीं है। तो आगम विरुद्ध भूलना नहीं चाहिए और आगम के आधार के बिना भूलना नहीं चाहिए। अपना गर्व अपने अभिमान इसके पुष्टि के लिए कभी भी नहीं करना चाहिए। हमने तो सुना था, हम पहले छोड़ देते हैं, ऐसे सुना था, हमें नहीं चाहिए। किसी के मुख से सुना होगा, नहीं नहीं, किसी महाराज जी के मुख से सुना, कौन से महाराज हमें बता दो, कौन से महाराज बता दो। ये नहीं बताओगे तो आप बिल्कुल विपरीत कह रहे हो, इसमें आपके स्वार्थ अवश्य विद्यमान है और भोले भाले जनता को आप ठग रहे हो। हाँ, इस प्रकार मोक्ष मार्ग में शिविर लगाने से कोई भी सुन रहे हो नहीं महाराज, आप शिविर लगाते नहीं और लगाने देते भी नहीं, किसने कहा नहीं लगा रहे थे, लगाना तो चाहते हैं, लेकिन ये सही सही बात यदि आप नहीं कहोगे तो इसलिए यहाँ जब तक आगम का ज्ञान पूर्वा पर नहीं होता तब तक इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विश्वास, हमारे ऊपर विश्वास रखो, आपके ऊपर विश्वास कोई भी नहीं रखेगा, क्योंकि आप किसी की बात को सुनते नहीं, आप अपने आप ही कह रहे हो तो ये गलत। नहीं नहीं, हम साक्षात भगवान के पास गए थे, क्या साक्षी बताओ, गवाह तो देना पड़ेगा ना, गवाह के बिना कोर्ट में कभी प्रवेश होता ही नहीं। अरे अभी गवाही नहीं हुई, अभी गवाही नहीं, और वह सरकार कह रही है, कोर्ट कह रही है कि हम अभी इनसे
कोई गवाह मांगेंगे नहीं, थोड़े से अच्छे ढंग से इनको हम देख लेते हैं क्या है, कहां से आए हैं, फिर बाद में हम बता देंगे। इसलिए यहां पहले सर्वप्रथम निश्चित कर लेना चाहिए, जिस किसी भी ग्रंथ को पढ़ करके इस प्रकार अर्थ निकालना, एक प्रकार से मूल जो ग्रंथ है अर्थ प्रणीत, उनको उनकी अवहेलना करना नहीं, ये स्वप्न में भी संभव नहीं है। नहीं है तो इसको आप मान करके चली है। संभव है कि अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख क्यों नहीं है, ये हम नहीं बता सकते। आज वे महाराज नहीं है, इसलिए जहां कहीं भी है वहां पर जाना पड़ेगा, अथवा हमें जल्दी जल्दी इसी बहाने से भगवान केवली का समागम प्राप्त हो जाए, आपका भी कल्याण हो पहले मेरे से और मेरा भी हो जाए। इसमें क्या बात आ गई, इसने कोई मतलब नहीं, देखो सुनो कल हमने यही कहा था, ऋषभनाथ भगवान से पहले बाहुबली को मुक्ति मिली, ये तो इसमें कोई वादा है ही नहीं। नहीं, मैंने निर्माण किया है, रास्ता बनाया है, पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में आपका नंबर, ये बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं मिल रहा इसलिए आपको बाद में मिले, यह तो बिल्कुल तुच्छ ज्ञान है। इसलिए आज कोई भी हो नहीं सकता, इस प्रकार के ज्ञानी नहीं हो सकता, आदि आदि जो कहना है यह एक प्रकार से अपने आप को ही दूषित करना है। स्ववचन बाधित इसको बोलते हैं न्याय में, इसको अपने वचन से विपरीत जो बोल रहा, कभी कुछ बोलता है, तो वह किसी भी प्रकार से विश्वास पात्र नहीं होता। इसलिए गांधी पर आकर के बैठ करके जिन वाणी का वाचन करने से पूर्व में ये पहले देख लो, ये स्वीकार कर लो नहीं। यदि कोई भी शब्द मान लो गलत निकल भी गया तो भगवान के साक्षी पूर्वक कह देना चाहिए, ये मेरी गलती होगी, इस प्रकार मैं कर नहीं सकता, मुख से निकल गया हो, सब लोगों से क्षमा। ये यदि भीतर कोमलता और स्वीकारता नहीं आती है तो हम प्रवचन करने लायक नहीं है, और साथ साथ प्रवचन सुनने लायक भी नहीं, क्योंकि उनके कुछ बातें तो स्वीकार कर ली और अपनी बातें उसके साथ जोड़ ली, तो यह हीनादिक मानमान रूप का व्यवहार है, ये सूत्र आ जाएगा। इसलिए भी हम पहले इसको स्वीकार कर, इसमें बहुत पसीना आता स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, समझे, पसीना आ जाएगा, सारी विकृतियां भीतर से बाहर की ओर आ जाए, एक पद दो काज, एक पद दो सौ काज हो जाएंगे आपके। इसलिए यहां हमेशा हमेशा होना चाहिए, जो व्यक्ति परिश्रम करके अथवा मेहनत करके अथवा क्षयोपशम के आधार पर इन ग्रंथों के रहस्यपूर्ण तथ्य को सामने रखता है, ऐसे आचार्यों को, ऐसे पूर्वाचार्यों को याद करते हुए क्या कहा, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वत्र देवा, तदोत्तर ग्रंथ करता रहे गणधर देवा, प्रति गणधर, देखो तीन व्यक्तियों को वहां पर याद किया है, सर्वप्रथम सर्वज्ञ देव है, दूसरे नंबर में गणधर प्रविष्ट का क्रम आता है, फिर तीसरे नंबर में प्रतिगणधर का आ जाता है, फिर बाद में परंपरा से जिन्होंने इसका संपादन किया है उनको भी याद करके, और हम जिनवाणी की वंदना करते हैं शुरुआत में भी और अंत में भी, ऐसा यह हमारे लघुत्व का प्रतीक। अब हम आगे थोड़े से और बढ़ जाते हैं तो प्रतिमा विज्ञान के लिए, प्रतिमा इन्हें दर्पण की उपमा के लिए कहा, उसमें देखने से हमारा मुख का क्या आकार है, प्रकार है और क्या स्वरूप है,
कहाँ पर क्या लगा हुआ है, साफ सुथरा है क्या नहीं, आदि आदि बारीकी के साथ हम देख सकते हैं। इसमें हमें एक और जोड़ना आवश्यक है, इसमें जो हे तत्व है उसको छोड़ने के लिए और जो उपादे तत्व है उसको ग्रहण करने के लिए इस दर्पण का उपयोग है। मैं बहुत अच्छा लगता हूँ इसके लिए नहीं समझे, अच्छा तो लगता हूँ लेकिन अपने आप को मैं देख नहीं सकता, इसलिए दर्पण के शरण में जाओ और उसको देखो और हे तत्व क्या है उसको पहले कालिमा को अपने हाथ से मिठा लो, रेखा है हाँ, या और कुछ भी है तो उसको निकाल दो, फिर इसके उपरांत काम हो गया उसको रख दो। दिलवाणी का भी आधार लेना इतना ही महत्वपूर्ण है। यदि मान लो कोई भी हमें सुनाता नहीं है तो कोई वादा नहीं, यदि आपको ज्ञान आता है होता है हुआ है कि संस्कृत अथवा प्राकृत का, तो उसके अनुसार आप अर्थ निकाल लेंगे। ये तो आज होता नहीं, हमेशा हमेशा इनकी गर्दन नीचे ही रहते, नीचे कहा हिंदी हिंदी या अनुवादित जो है भाषा है उसी की ओर है, ऊपर में कहां कुंद कुंद है, कहां अमृतचंदी है, कहां जयसेन महाराज है, या कहां और कहां, मान लो कन्नड़ में अनुवाद पहले हुआ हो तो उसका अनुवाद यहाँ पर हुआ हो, मराठी में हुआ हो अथवा हिंदी में हुआ तो पांचवें नंबर में आ जाएगा, और उसमें भी शब्दशः ज्ञान नहीं है तो भावार्थ को ले लेंगे। इस प्रकार क्रम भंग करके जो स्वाध्याय स्वयं के लिए और दूसरे के लिए दे देता है उसका यह अधिकार ठीक नहीं। दया तो है उसको हमें भी आ जाए लेकिन ऐसा नहीं आ सकता। यदि उलट पुलट आदि अर्थ निकाल लिया तो सम्यक द्वार सम्यक जो आपके पास है नहीं रह सकते। इतने सारी सारी इसमें विचार करने से ज्ञात होता है कि यह हमारे लिए दोष का कारण होता है। दोष से यदि बचना चाहते हो तो अवश्य ही इसका धारण कर लो। आगम में कहा है सर्वप्रथम शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ आगमार्थ और भावार्थ, ये पांच विधाएं हैं, इनमें से क्रम से अपने को जानना है। सर्वप्रथम शब्दार्थ को जानने के लिए संस्कृत में आपका प्रवेश ही नहीं अधिकार भी होना चाहिए, तब कहीं जाकर के उसका सही अर्थ ध्वनि आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकालोगे। हम अधिकार चला रहे हैं कि यह सब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, भावार्थ देख लो तो अपने आप जाओ, भावार्थ जैसे विपरीत थोड़ी है, वो भी आप जैसा ही है, वो भी भाषा को नहीं जानता है तो ये ठीक नहीं माना जाता। कभी कभी टीकाओं को देखने से ऐसा लगता है टीकाकार टीका गुरु नाम गुरु का, टीका जो है गुरुओं के भी गुरु का काम करती है, किंतु वह करते तब जबकि उसको पहले भावार्थ से पूर्व में मतार्थ का ज्ञान होना चाहिए, आगम का ज्ञान होना चाहिए। आगम और मतार्थ में क्या अंतर है, अनेक प्रकार के 336 कितने हैं मिथ्या, ये सारे सारे ज्ञान होना अनिवार्य है, कौन किस ढंग से मानता है। उसमें से यहाँ पर प्रासंगिक क्या है यह जानने की यदि कला आ गई तब मतार्थ भी आपके पास आ गया। आगम कौन सा आगम है, जिनागम तो है, जिनागम होकर के भी अध्यात्म ग्रंथ है,
या आगम ग्रंथ है या प्रथमान युग संबंधी ग्रंथ है, टीका ग्रंथ है आदि आदि, इन सब का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया हो तो वह आपका सही माना जाए। आगमन न्यास, ये नयों का एक बाजार है। जितने भी मत है उतने ही नए हैं, और जितने भी नए हैं उतने ही एक प्रकार से परसमया भिन्न भिन्न मत को रखने वाले समय में व्यक्ति हैं, उपासक हैं। तो इसलिए आप अपने आप को सही में अर्थ निकाल रहा हूं तब कह सकते हैं आपका नयों का ज्ञान बिल्कुल आलोडर होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, और कभी भी गलत अभिप्राय वाला वह आपका अभिप्राय होना नहीं चाहिए। यह भी एक सर्वप्रथम शब्दार्थ, फिर बाद में नयार्थ, फिर मतार्थ, बौद्ध मत है, सांख्य मत है, नैयायिक है, चार चार्वाक है, क्या कौन कौन है, इन सब का अध्ययन आपको होना चाहिए। उस प्रसंग के अनुसार वहां पर अर्थ निकाला जा सकता है। ये यदि नहीं है तो आपका वह मत गलत सिद्ध होगा, इसलिए आप प्रवचन के लिए योग्य नहीं है, इस पहले से ही प्रश्न किया है। यदि आपके पास वह ज्ञान है तो आप इसको संशोधित भी कर सकते हो, ऐसे लेखक संपादक महोदय भी कहते हैं। दौलत राम ने कहा है ना छड़ाले के अंत में, हाँ द्रव्य संग्रह के अंत में एक गाथा आती है, तो वह आपके पास यह विद्या है तो अवश्य ही इसका संशोधन कर सकते हैं, यदि नहीं है तो इसको आप हाथ जोड़ कर सकते, इतना तो आप कर सकते हैं, उसी के आगे आप बढ़ नहीं सकते। देखो इसमें कितने संपादक महोदय भी अपने लघुत्व को प्रदर्शित करते हुए आपसे कह रहे हैं। इसलिए शब्दार्थ नयार्थ मतार्थ बोध उद्यारिक मत है, आगमार्थ यह है एक प्रकार से आगम तथ्य है अथवा अध्यात्म तथ्य है। आगम में सिद्धांत ग्रंथों का आलोड़न आता है, अध्यात्म का अर्थ 12 भावना आदि आदि, 16 कारक भावना आदि, और भी इस प्रकार जुड़ जाते हैं। ध्यान की पूर्व पीठिका के रूप में इनका काम लिया जा सकता है। ये आगमार्थ हो गया, फिर बाद में भावार्थ आ जाता है, भावार्थ अंत में रखा, भावार्थ को समझने के लिए इन पांचों का भी समझना अनिवार्य हो गया। इसलिए आपसे हमारा कहना है, आप लोगों की स्वाध्याय की भूख खुल गई है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन वह स्वाध्याय करने की भूख है या स्वाध्याय सुनने की भूख है? करने की भी तो है, मान लो अपने आप ही कर ली और अपने आप ही अर्थ निकाला, ये भूख अच्छी नहीं मानी जाती। नहीं समझे, मात्रा जो है ज्यादा खा लिया तो बीमार पड़ जाओगे, पड़ सकते हो, ऐसे बीमार बहुत मिल रहे हैं, उनके ऊपर भी दया आता है, लेकिन हम दया मात्र करने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपसे यही कहना है कि आपकी क्षुधा बहुत अच्छी है, भूख अच्छी है, किंतु स्वयं करने की है या दूसरे को बुला बुला करके करना? हाँ स्वयं यदि करना है तो दूसरे को जो बुला बुला करके क्या मानते चला जाहिरात एडवर्टाइजर, हम इंग्लिश नहीं जानते, मराठी के कारण थोड़े एक शब्द याद आ गया जाहिर है, जाहिर है। तो वह ऐसा क्यों बुला रहे हो? नहीं, हमारे पास इतना ज्ञान है, किसी काम का नहीं है, इसलिए आप
दया करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, और अच्छे ढंग से समागम को प्राप्त करो और संगति के द्वारा पूछताछ करो, वाचना पृछना अनुपेक्षा अनुमान आमनाए आदि अनुपेक्षा आदि, तो अंत में धर्मोपदेश करो, वहां पर भी क्रम अंत में रखा, कोई बात नहीं महाराज, यत्र तत्राण पूर्वी नहीं समझे क्या, उधर से भी हम प्रारंभ कर सकते हैं ना, हो कर सकते हैं, तो ऐसा करा करो, पहले सौंफ खा लो, अभी भी करना तो है, सौंफ ले समझे, और इलाची कहीं खाना तो है, इन लोगों ने रखा है, पहले वहीं से प्रारंभ कर लो, ये ठीक है क्या, नहीं वो अशुद्ध माना जाएगा, आपका पेट पाचन शक्ति से बाहर हो जाएगा, वो पाचन में गड़बड़ आएगा, इसलिए पहले तो लिखा है उन्होंने, इसलिए सभी चीजें परोसने वाले पहले नहीं लिख रखते, क्या पता ये भूख अच्छी लगी है इसलिए कहीं से भी प्रारंभ कर दे, तो इसी प्रकार ये क्रम है और उसके अनुसार हम चलते हैं तो अवश्य ही इसका लाभ हमें मिलता है। ये दो उदाहरण आगम में और मठमतांतर के अध्ययन करते समय ये मिलते हैं। जयसेन स्वामी ने अपने अध्यात्म ग्रंथ के 2-3-4 ग्रंथ हैं, उनमें टीकाओं में ये अवश्य इसका विवेचन किया है और उसी के माध्यम से वे अध्यात्म ग्रंथ के सार को बाहर ला करके रखते हैं और आज तक उससे समाज साधु ग्रंथ आदि लाभान्वित हुए हैं। तो ये संक्षेप से हमने आपके साथ सम्यक प्रसार के साथ यह भी जानकारी होना अनिवार्य है, दूसरे के लिए ही चाहिए ऐसा नहीं, किंतु अपने लिए भी अभिप्राय को पकड़ने के लिए आचार्यों के उसको पकड़ने के लिए अनिवार्य होता है। एक वैद्य है दूसरे वैद्य के साथ भी परामर्श कर लेता है, कितने भी वह वैद्य कुशल क्यों न हो, अच्छे अच्छे हजारों रोगियों की चिकित्सा की भी हो तो भी कोई भी नाड़ी वैद्य आता है तो उसके पास भी वह जाता है, विचार विमर्श करता है, अपना अनुभव भी बता देता है, हमने ऐसा किया है, इसमें उचित क्या है अनुचित क्या है, आप अपने बृहद ज्ञान के माध्यम से बताने की कृपा करें ताकि आगे हमारी ये गलती ना हो। अरे आ जाओ, हम आपको अपने अनुभव बता देते हैं, आप क्या जानते हैं, ऐसा नहीं करना, किंतु हमेशा हमेशा विनय लघुत्व हमारे पास आना चाहिए, इसी का नाम 8 अंगों में गर्भित सम्यक दर्शन है, इसलिए निशंक होना चाहिए, निकांक्षित होना चाहिए, निर्विचिकित्सक होना चाहिए, अमूर दृष्टि होना नहीं चाहिए, स्थितिकरण उपगुण करना चाहिए, स्थितिकरण आप अपने आप को उपगुण तो कर लेते हैं लेकिन दूसरे के उपगुण आप नहीं करते, अपने आप को तो मंथन करते हैं लेकिन दूसरे के लिए बात नहीं करते, ये गलत है। स्थितिकरण अपना भी करना चाहिए और पर का भी करना चाहिए, अपने कर्तव्य मान करके करना चाहिए, अपने सम्यक दर्शन को और पुष्ट बनाने के लिए करना चाहिए, हम दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं ऐसा नहीं, हम अपने ऊपर ही उपकार कर रहे हैं, उसके साथ उनका होता है तो बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए उपकरण अंग जो है ना स्थितिकरण अंग बहुत बड़ा काम करता है, हम अपने आप के परिणामों को भी दूसरे के परिणाम भी गलती से हो जाते हैं प्रमाद से हो जाते हैं तो इसके लिए सहयोग देने से आपका वह व्यक्ति हो जाता है, आत्मीयता उसके साथ बढ़ जाती है और आपका अपने आत्मीयता के साथ संबंध हो गया नहीं तो बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं, इससे धर्म की
बहुत मेहनती प्रभाव ना हो जाए। वो भगवान दूसरे के दोष को देखना ही नहीं। कैसे नहीं देखना, सुबह तो देख लो तो बाल सूर्य होता है, बाल भानु होता है, कितनी कोमल किरणें हैं, कितने सुहाना व दृश्य दिखता है, आधा घंटे के लिए दिखता है। अब धीरे धीरे जब वह ऊपर चढ़ जाता है समझे, उधर एक गलती से दृष्टि चली भी गई बहुत। हाँ नहीं समझे, इसी प्रकार दूसरे के दोष यदि दिखने में आ भी गए तो गलत है। हाँ ऐसे करेंगे ना तो आपके पास गुण ही गुण, गुण ही गुण, गुण ही गुण रह जाएगा। कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हो सस्ती है क्या नहीं है पूछते हो क्या नहीं तो हम ये कहना चाह रहे हैं अच्छे अच्छे गुण मैं बता रहा हूं कि सस्ती ले लो, मुफ्त ले लो हमारे से। और बांटो ना, जब मुफ्त ले लिया मिल गया उसका उपयोग भी करो और सब जगह वितरण करो। ये वितरण अपने आप में आपकी विशालता, आपकी निराभिमानता और आपके दूसरे के प्रति वात्सल्यता धर्म की प्रभावना के लिए अटूट अटूट है आपके पास। ये हो जाएगा बिना कसरत के, बिना बौद्धिक आयाम से, बिना विद्यालय गए। गुणों का संचय बिना विद्यालय के भी हो सकता है और होता है। कितनी सस्ती है ये देखो, मार चतुर्थ काल में भी इंद्र नहीं होता होगा, आप समझते ही पंचम काल में भी आपको मिल सकता है। ऐसे कभी भी बदले में ना पिशासन फले ना तुले। हे धर्मनाथ भगवान आप कैसे हो, इतने सारे सारे गुही तत्व की बात करके भी आप बदले में कुछ मांगते नहीं हो। आपका मांगना तो वरदान नहीं है किंतु अभिशाप है। किंतु ये ध्यान रखना आहार के समय तो आप मांगते तो हो। बात पकड़ में आ गई लेकिन वो पकड़ भी नहीं आई। ध्यान रखो आप चूंकि तीन बार बुलाते हो नहीं समझे। हाँ और ऐसे बुलाते हो, ऐसा बुलाते हो, हे भगवान हमारे ही महाराज आ जा। अपने यहाँ हो जाए, पहले अपने यहाँ हो जाए फिर दूसरे किसी के यहाँ हो जाए। पहले तो अपने यहाँ होने थे, ये तो इतने स्वार्थ तो रख सकते हैं। लेकिन वह भी श्रावक होता है, देखो उनके यहाँ अभी एक बार भी नहीं हुआ। हाँ उनके यहाँ हो जाए महाराज तो महाराज उनके यहाँ न जाकर के आपके पास आए तो क्या करोगे मुझे बताओ। कभी कभी ऐसा भी होता है तुम इधर आ जाओ, तुम भी बढ़गा लो और तुम मैं भी तुम्हारे चौके भी आ जाता। दो तीन बार ऐसे हुआ लेकिन हम क्यों उसको मना नहीं कर सकते, स्वयं जो है बड़े चले जा रहा। मुझे सोचा कि भैया ये दोनों मिल करके हो गए होगा अच्छा। हाँ तो आपकी भावना भी हो गई, उसकी भावना तो थी पहले, हमें तो स्वीकार है उसको, क्यों इसलिए करेंगे। तो इस प्रकार हाँ अपने आप के गुणों को बढ़ाना चाहते हैं। ये आठ अंगों के बारे में आप इसके विवेचन सुन करके इनकी जो उपयोगिता है इसका अध्ययन करें, आप स्वयं को भी आनंद आएगा। ये कितनी कोमल बात है, ये किसी को भी गलत न लगे।
और उसकी गलती नहीं, गुण की ओर उसकी दृष्टि जा रही है, तो आप गुण की बात कर रहे हैं तो उसको किसी प्रकार से दोष की ओर पुनः ले जाना नहीं चाहिए। ऐसा सम्यक दर्शन है, फिर सम्यक चरित्र होने में देरी नहीं लगेगा। चारित्र पक्ष को और सुगम बनाने का यह सम्यक आचरण चारित्र है, यह अनिवार्य है, जो कि चारित्र के लिए पूर्व पीठ का अथवा भूमिका का काम, नीम का काम यह काम करता है। इसके बिना आज तक कोई भी भवन का निर्माण हुआ नहीं है, और वह कितनी खोल है, खोल समझते हो है? कितनी गहराई है उसमें, इसका कोई पता लगता नहीं। वहां तक ले जा करके, वहां पर पत्थर इत्यादि रख करके इसको लेकर के यहाँ तक आ जाते हैं, और उसको बाहरी हवा लगने नहीं देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, और उसके पीठ पर महाप्रासाद खड़ा हो जाता है। ऐसा यह जैन तत्व है, ऐसा यह अहिंसा तत्व है। हम दूसरे के मन वचन काय की किसी भी प्रकार से हत्या यानी उसको क्षति नहीं पहुंचाए, और अंत में कह देना कि आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आप मेरे ऊपर कर रहे हो क्या? आप मैं आपके ऊपर उपकार नहीं, बिल्कुल इस तत्व को आपने ले लिया, और इसलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि यह उम्र तक तो है ना, कोई भी बच नहीं सकता, उम्र हो गई तो जाना पड़ेगा। अब मैं विश्वास के साथ जा रहा हूँ, आप अपने घर में जब तक प्राण रहेंगे तब तक इस सारे सारे तत्वों को बांटते रहेंगे। कितना बड़ा काम किया उसने, नहीं समझते? बच्चों का पालन आप क्यों करते हैं बताओ? हमारे बाद में भी नहीं समय, हमारे दुकान की और मकान की और खेती बाड़ी की नाम सुरक्षित वंश वृक्ष जिसको बोलते हैं, बहुत बड़ा वृक्ष है वंश वृक्ष, दादाजी परदादाजी सरदादाजी आदि आदि बहुत दूर तक चला जाता है, इस सब श्रेय उस व्यक्ति को आता है। ऐसा बड़ा परस्पर उपग्रह जीवाना इस सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वाशुद्धि कारण है। जब हमें गुरु जी पढ़ा रहे थे इसको पढ़ो, तो उसमें ये लिखा है, क्या लिखा है उसमें, ये लिखा है महाराज जी मुनि के ऊपर मालिक का तो उपकार है, लेकिन मुनि का मालिक के ऊपर क्या उपकार है? तो उसका उत्तर दे देते हैं, नहीं समझे, मुनीम तो छोटा हो गया और मालिक तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मालिक के ऊपर भी उपकार कैसा किया जा सकता? आंखें खोल लो, कानों में यदि मार लो गड़बड़ी है तो उसको यूं यूं करके खोल लो और सुन लो। उसमें ये लिखा है कि इसलिए क्योंकि मालिक ये चाहता है कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चले और सब लोगों के लिए वो के पदार्थ इसको प्राप्त हो दी जाए, ये चाहता है। किंतु मुनीम के बिना इसको कौन चलाने वाला? इसलिए वह 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए जरा भी दे दो मुनीम जी, नहीं समझे, और किसी को कहियो नहीं, इसमें चाराना लगाना आपके लिए है, लेकिन बाराने का वितरण तो आपको बहुत अच्छे ढंग से करना है। अब क्या चाहता बोता मुनि, ये हो गया। तो इस प्रकार जो मालिक चाहता है वही आपके लिए भी सही मिलता है और वो काम करना चाहिए। अब दूसरा इसके ऊपर तो उसके हो गया, इसके ऊपर तो इसको, महाराज मोक्ष मार्ग में भी तो बताओ कुछ। शिष्य के ऊपर तो गुरु जी का अटूट
बहुत बड़ा उपकार, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन महाराज इसमें तो सूत्र हुआ, स्वामी महाराज ने कुछ अलग ही और लिखा है, परस्परों कहा। परस्पर का अर्थ क्या होता है? मैं आपके ऊपर और आप मेरे ऊपर, इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ अर्थ है। ये कैसे गुरु का उपकार तो अटूट है, लेकिन शिष्य का कैसे? तो गुरु यही चाहते हैं मेरे बाद में भी यह परंपरा, ये दुकान चलती रहे। कौन चलाएगा बताओ? हाँ, जो आज तक सुना है और आप आत्मीयता के साथ उसको पाला पूछा इत्यादि किया है, तो फिर तो वो अब इस प्रकार यदि मान लो सैकड़ा में शिष्य हैं तो कितना होगा? प्रभावना कितनी होगी? कितनी लंबी, कितनी चौड़ी? अरे यहाँ तो है, स्वर्ग तक चले जाएगी। स्वर्ग वाले इस प्रकार कर नहीं सकते, किंतु आपके माध्यम से वह कार्य हो गया। इस प्रकार आप लोगों को इसके गंभीरता के साथ अध्ययन करके और इन 8 अंगों का और ये 5 सामान्य नियमों का पालन करेंगे तो यह अवश्य ही आप लोगों के लिए कम समय में बहुत बड़ा काम आपके द्वारा हो सकता है, होता है। इसमें किसी प्रकार के संदेह करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार आपको अब बैठे रह रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं। पैसा कितना खर्च हो रहा बताओ? है ही नहीं, पैसे के साथ और किसी वस्तु के साथ इसका कोई संबंध है ही नहीं। हर बात में आप अर्थ की ओर क्यों जाते हो? अर्थ नीति तो विदेश नीति है, धर्म नीति परमात्म नीति तो भारत की है। आप भारतीय, आप भारतीय है क्या? भारतीय है, भारतीय तो भारतीय है। तो ये भार, ये दायित्व को आपको अपने कंधे पर ले लेना चाहिए। यदि विदेशी है तो आप पैसे की ओर देखो, इसका मूल्य है ही नहीं, इसका तो अनमोल मूल्य है, वो इसका यह है ही नहीं। इस प्रकार यह संयुक्त आचरण चारित्र मोक्ष मार्ग में अपने आप में प्रथम है, लेकिन इसमें चारित्र के नाम से न ही अनुवृत्त है और न ही महाव्रत है। इसमें कोई व्रत नहीं है, नहीं होते हुए भी इसका महत्व कितना है, क्योंकि यह प्रथम है। जितने भी सोपान है अपने प्रतिमाओं का स्वरूप, तो वह सब इसी के ऊपर आधारित है। पहले रखते हैं 5-5 गुण की अपेक्षा से, 5-5 दोषों की अपेक्षा से, सम्यक दृष्टि इत्यादि करते हुए ये दोषों का उन्मूलन करने के लिए भी यही आवश्यक है। इस प्रकार कह करके आगे के जो होने वाले रत्नत्र है उनकी भूमिका के लिए अनिवार्य बताया। तो सम्यक ज्ञान की भी बात इसमें आ गई, सम्यक दर्शन तो आ ही गई, किंतु 5 सामान्य नियम जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन यहाँ पर है, ऐसा उन्होंने आपके सामने विवेचन किया है। प्रथम सम्यक, अनुकंपा, आस्तिक आदि 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 में और क्या क्या लेना चाहते हैं, तो अष्टपौड़कार कुंद देव ने इसमें और 3-4 जोड़ा है। प्रमोद भाव है, वात्सल्य है आदि आदि और जोड़ा। मार्ग प्रभावना दिया है, मार्ग में प्रभावना करना है उसके लिए ये सारे सारे चाहिए। आप प्रभावना करेंगे, आपके शिष्य या आपके संतान भी प्रभावना के लिए कुछ समय निकालेंगे। इस प्रकार हमारा कर्तव्य है कि गृहस्थ के कार्य करते हुए भी
यह कर्तव्य सबको करना है, मैं करूं ऐसा नहीं, वो भी करें ऐसा नहीं, सब मिलकर के करें किंतु अवश्य करें। सम्यक आचरण चारित्र एक प्रकार से बहुत ही गंभीर विषय है, इसको हम श्रावक की अपेक्षा से और मुनियों की अपेक्षा से भी बता सकते हैं अथवा इसका स्वरूप आ सकता है। श्रावक के लिए कैसा आ सकता है, तो उनका ये कहना है पाक्षिक सम्यक दृष्टि अथवा पाक्षिक श्रावक के नाम से श्रावकाचार्य इत्यादि में उल्लेख मिलता है। जो देव सच्चे देव गुरु शास्त्र का पक्ष रखता है उसका नाम पाक्षिक है। अनायतनों से बचने के लिए यह आदि कर्तव्य है, यह पाक्षिक हो गया। अब इसके उपरांत नैष्टिक का आ जाता है, उसके उपरांत साधक का आता है, इसके उपरांत वह क्षुल्लक अलग आदि का आ जाता है। यह सोपान क्रम है, इसके बिना बनता नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप लोग जो चारित्र सुना वो पाक्षिक की अपेक्षा से, इसके उपरांत नैष्टिक के लिए दूसरी प्रतिमा से लेकर के आपको ग्यारहवीं प्रतिमा तक अथवा घर में रह करके करेंगे तो दसवीं प्रतिमा तक आप अच्छे ढंग से चल सकते हो। एक बार प्राइमरी के लिए चले गए यानी प्राथमिक शिक्षा, तो पांचवी तक अथवा जिस प्रांत में सातवीं से प्रारंभ होता वहां तक चले जाएंगे, पांच से कक्षाएं पूर्ण होंगे, फिर इसके उपरांत माध्यमिक आ जाएगा, सर्वोच्च माध्यमिक भी आएगा, फिर इसके उपरांत महाविद्यालय में आपका प्रवेश होगा। उस संबंधी कक्षाएं कभी तीन है, कभी चार है, कभी पांच है, इस प्रकार पूर्ण करते करते महाविद्यालय का वह पाठ्यक्रम पूर्ण होता है। उसी प्रकार यह पाक्षिक में और नैष्टिक में और साधक में और हाँ क्षुल्लक अलग इत्यादि के रूप में ये क्रम से 11 प्रतिमा तक चले जाते हैं। गृहस्थ अवस्था में रह करके कितना आप कर सकते हैं, तो दसवीं प्रतिमा तक, सातवीं में ही, सातवीं कक्षा के बाद कोई भी महाविद्यालय में प्रवेश ही नहीं करना चाह रहा बोलू हाँ, तो सातवीं कक्षा के बाद भी सोपान है, नसेने बोलते हैं ना नसेने, तो उसमें पैर होते हैं, पैर जहां पर पैर रखे जाते हैं, नसेने चलती नहीं लेकिन चढ़ने के लिए सहायक होते हैं। तो आपके नसेने में केवल सात ही पैर हैं, आगे की कोई पैर वाले नसेने देखने भी नहीं आ रहे, नहीं चलता है, बिल्कुल बैठे बैठे काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई बात ही नहीं है, उसमें सूक्ष्म विवेचन में इस क्रम से यदि समय मिल गया तो करूँगा, और आपके यदि भूख है तो उसको रखा जा सकता है, लेकिन एकदम हाँ नहीं कहूँगा आगे, ताकि आप लोग सातवें तक आकर के रुके हैं ना, आप अपने स्टेशन बदल दो, आगे गाड़ी हाँ भेज दो। इस प्रकार चलने से क्या होगा कि आगे की यात्रा बहुत सुगम होगी, पहले ही हमें मालूम पड़ता तो हम एक साथ दसवीं प्रतिमा तक छलांग ले लेते, लेकिन अभी तक मालूम नहीं था, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी बाधा नहीं, बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम है, किंतु आगम के आधार पर इसका चिंतन करने से ये फलितार्थ होता है। समय आपका लगभग हो रहा है, मतलब ताकि हन नहीं है, तभी तो होगा,
नहीं नहीं कहेंगे ना तभी तो मालूम पड़ेगा कि भूख है ज्यादा है। अब ऐसे घड़ी में तो घंटे तो रहेंगे। हाँ हाँ, तो ज्यादा भी देना अच्छा नहीं, अजीर्ण हो जाए। ये भूमिका बना लेते हैं आगे के विषय की अपेक्षा से, तो वो ये भूमिका है कि नैष्ठिक जो बनता है निष्ठावान होता है। नैष्ठिक अर्थ क्या होता है? निष्ठावान होता। पाक्षिक में केवल दो प्रकार से उल्लेख मिलते हैं, पंच अनुवृत और पांच उदम्बर फलों का मध्य मधुमांस का त्याग बताते हैं, तीन प्रकार का। इस प्रकार ये अष्ट मूल गुना, अष्टो मूल गुना ग्रहिणाम आहु श्रवणोत्तमा, श्रवण के जो उत्तम आचार्य हैं उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो ये स्पष्ट हो गया कि हमें वह पाक्षिक के बाद नैष्ठिक आने के लिए बारह वृत्तों का उल्लेख मिलता है। पांच अनुवृत्त हैं, तीन गुणवृत्त हैं और चार शिक्षावृत्त हैं। एक और है परीक्षा के भांति, वह संलेखना है। परीक्षा तो देनी पड़ेगी, कोई कक्षा में या विद्यालय जाने जाते हो तो उसमें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करना है तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर बाद में दूसरी कक्षा में प्रवेश होगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, तो आपको नैष्ठिक बनने के लिए ये बारह व्रत हैं और प्रकारांतर से अगली कक्षा में प्रवेश करने के लिए परीक्षा रखी है। उस परीक्षा में यदि आप उत्तीर्ण हो जाते हैं अवश्य ही आपने को दूसरी कक्षा में जाने का या अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार यह नैष्ठिक कर्म मुख्य रूप से सातवीं कक्षा तक चलता है। ये सातवीं क्रम से पहले सर्वप्रथम बारह व्रत हो गए, अगले में पुनः व्रत कौन सा है तो आचार्य कहते हैं उसमें जो व्रत दिए हैं वह एक प्रकार से प्रतिमा के नाम से ही दिए हैं, सामायिक प्रतिमा, प्रोषरूपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा। इस प्रकार ये करते हैं, इसमें निष्ठा आती हुई चली जा रही, उन उन चीजों में निष्ठा आ जाती है। तो पहले में एक प्रकार से जो मूल गुणों में वृद्धि के लिए कारणभूत शिक्षा वृत्त हो जाती, दिग वृत्त हो जाता है, गुण वृत्त हो जाते हैं, फिर यह पांच अनुवृत्त पुष्ट बनाने के लिए ये कार्यकारी हो जाते हैं। पुष्टि के लिए हमेशा हमेशा समय समय पर वर्षा जैसे अनिवार्य है उसी प्रकार इनका भी उपयोग नहीं है तो फिर यह पांच ही व्रतों के द्वारा चलेंगे तो विशेष रूप से उसमें पुष्टि नहीं आएगी। पुष्टि के लिए गुण ब्रह्मनाथ, गुण का अर्थ एक प्रकार से शक्तियों से उसकी वृद्धि के लिए ये गुण व्रत रखे गए हैं। शिक्षा व्रत मुनि अथवा आर्य का बनने के लिए हमें शिक्षा जिससे मिलती है अभ्यास चालू होता है। आप लोग द्वितीय प्रतिमा होने होते होते तृतीय प्रतिमा का भी अभ्यास करते रहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर शिक्षा व्रत भी रखे गए हैं, उनके करते करते आपको मुनि बनने का भी अभ्यास हो जाता है, धैर्य मिल जाता है और अथवा आर्य का बनने का। यह श्रावक के लिए अनिवार्य है। पंचम अनुष्ठान के योग जिसको संयमान संयम बोलते हैं उसके लिए यह अनिवार्य होता है। इसके बिना आगे के व्रतों का महत्व और कर्म निर्जरावन के स्थान आपके विकसित नहीं हो सकते, ये करना अनिवार्य है। तो यहाँ आप ऐसा नहीं समझो कि इसमें कुछ रखा है, ऐसा नहीं, इसमें असंख्यात गुणी निर्जरा
जो नौवें अध्याय में तत्वा सूत्र में श्रावक से प्रारंभ करके ऊपर 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 ले जाते हैं, 10-12 स्थानों में असंख्यात गुनी असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा का क्रम बताया है। उसी प्रकार इसमें भी आपको वही द्वितीय प्रतिमा में जो 12 वृत्त से वही है, लेकिन पुष्ट होते हुए चले गए हैं। आपने गन्ने को देखा होगा, महाराज इधर देखो तो गन्ना ही गन्ना है। उसमें आपने दृष्टिपात किया होगा, क्या नहीं किया होगा, तो है लंबा चौड़ा रहता है, डंडा के समान रहता है, बिल्कुल ठग, किंतु उसमें पोर रहते हैं। पोर पोर का मतलब हाँ खंड की, हाँ कबिल खंड की, परिचित शब्द आ जाता है, बिल्कुल पूरा समझ में आ जाता है। अगर सुनगा और तो मौसम ही दे, हाँ हाँ तो ये हो गया। तो जिस प्रकार पोर रहते हैं उनमें नीचे नीचे की पोरों में मिठास ज्यादा रहता है, पर ऊपर ऊपर के पोरों में मात्रा भले ही रस की ज्यादा रह सकती है, किंतु वहाँ मिठास कम रहता है, पर अंत अंत में तो खा जाएंगे तो जुकाम हो जाता है। ऐसा है, इसी प्रकार आप लोगों की ये व्रत मिठास को लेकर के रहते हैं, उन प्रतिमाओं के माध्यम से उसमें घनिष्ठता आ जाती है, निष्ठा आ जाती है, इसलिए इनका क्रम रख करके उन्होंने उसका महत्व बढ़ाया है। इसमें एक प्रकार से हमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट आदि खूब बना सकते हैं। जैसे अंक मिलते हैं आप लोगों को परीक्षा में, तो उसके कई भेद हो जाते हैं, और उसमें उसके माध्यम से विद्यार्थी छात्रों की तुलना की जा सकती है कि किसकी प्रतिभा कितनी है, और उसके माध्यम से कितने कर्म की निर्जरा आप कर रहे होते हैं, ये सब अंक उसमें जुड़ते चले जाते हैं। जब आप उसका परिणाम घोषित जब होता है ना, उस समय देखेंगे थोड़ा सा और बना लेता तो और अच्छा होता। नहीं समझे, समय बहुत लगाया लेकिन थोड़ा सा और लगा देता है तो उससे भी आगे बढ़ जाता, तो बाद में उसका महत्व हमारे सामने आ जाता है। आचार्यों ने इसके लिए समय समय पर प्रेरणा दी है। ये 12 वर्षों का संक्षेप से हमने यह अर्थ दिया जो दूसरी प्रतिमा में यह समाविष्ट होता। इसी का अब विवेचन आगे की प्रतिमाओं में इनके निष्ठा बढ़ती चली जाएगी तो यह आगे तक पहुंच जाएंगे। वहां एक 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 पोर बढ़ता चला जाता है, वही गन्ना माना जाता है, उसका रस का जो स्रोत है वह नीचे से लेकर के ऊपर तक समान रूप से संचालित है। यह रस का संचार अखंडता का बोध देता है। उसी प्रकार आपका आवृत्ति है, किंतु ऊपर ऊपर की जगान मध्यम उत्कृष्ट इस प्रकार के भेदों में आप देखते रहोगे, और श्रद्धा ने ये है तो अवश्य आपको तत्संबंधी विकास का क्रम ज्ञात होने से आनंद की अनुभूति होगी। हम उस कक्षा में प्रविष्ट हैं जो इस कक्षा के निर्माण और इस कक्षा के उद्बोधन विवेचन करने का एकमात्र श्रेय जाता है तो तीर्थंकरों को चला जाता है। उसी के अनुसार आचार्य परंपरा से वह यहाँ तक आकर के टिका हुआ है। आप भाग्यशाली हैं,
आपके लिए जो वृत्त मिले हैं इसे एक महाराज से नहीं तीर्थंकरों से आपका संबंध जुड़ा हुआ है, यह और किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ नहीं है। यह रहस्यपूर्ण बात है कि उससे पहले वो ऋषभनाथ भगवान तक ये परंपरा चली जाती है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है, उसको पवित्र रखो। पवित्र धर्म के साथ इसका आप लोग साधन करेंगे। बहुत दूर से आप लोग आए हैं, लेकिन दूर से आने के उपरांत भी माल भी आपको मिला होगा। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आगे भी इसी प्रकार है पास ही है। बिल्कुल, अब समय पर और बता देंगे। अहिंसा परमो धर्म।